विदिशा जिले के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर चंद्रभान सिंह धाकड़ और जिला ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी की पहल पर रक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 29 युवाओं ने 29 यूनिट रक्तदान किया। चिकित्सकों ने बताया कि मनुष्य के शरीर में खून का जीवन काल 120 दिन होता है, जो अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है। रक्तदान करने के कई फायदे गिनाते हुए कहा कि रक्तदान करने वाले व्यक्ति का रक्त 32 दिनों में पूर्ण हो जाता है। रक्तदान करने से खून की कई प्रकार की अशुद्धियां बाहर निकल जाती है, जिससे व्यक्ति निरोगी हो जाता है। खून पतले हो जाने के कारण कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखता है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियां नहीं होती है। रक्त की विभिन्न जांचें की जाती है। यदि किसी प्रकार की बीमारियां या संक्रमण का पता चलता है तो रक्तदाता को तत्काल बताकर उसका उपचार किया जाता है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। महादान का कार्यक्रम आज हमने जो रखा है बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जब रक्त कोई मूल नहीं होता, रक्त देने से उससे बड़ी बार जहाँ रक्त हमारा जाता है व्यक्ति में, तो परिवार सम्मान भी बढ़ते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छी उनकी पहल और रोचे स्वामी बनाकर और वहाँ पर क्षेत्र में सारा शिविर हम लोग आयोजन करेंगे। सब पैसा सही हो रहा है। मेरा जो मन था पठारी में रक्तदान शिविर करवाने का, एक खून एक ऐसी चीज है कि जो अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। और आपने क्या है कि जो गांव देहात में जो लोग बाग रहते हैं, उनको क्या एक कमी वो लगी रहती है कि अगर हमने खून दे दिया तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भ्रांति मिटाने के लिए मैंने स्पेशली यहाँ पर कोशिश करी कि अपन पठारी के लोगों को जागरूक कर सकें। यहाँ के काफ़ी जो समझदार लोग थे, उन लोग मेरे से बोला कि सर हम तो वहीं आके डोनेट करवा देंगे ब्लड, पर मैंने कहा कि यहाँ नहीं, ये यहाँ पर आके करना हमें ज़्यादा उचित लगेगा, ताकि सब लोगों के मन में से भ्रांति निकले। क्योंकि जो खून अगर अपन देते हैं तो ऑटोमेटिक 35 दिन बाद दोबारा से बन जाता है अपने शरीर में, और मरीज को कोई ऐसी कमजोरी, जो खून देता है उसे ऐसी कमजोरी महसूस नहीं होती है। 24 घंटे के अंदर उसका जो अपन निकालते हैं जो फ्लूड वगैरह, वो भी बराबर हो जाता है, और 15 दिन बाद वो एकदम सामान्य व्यक्ति जैसा है, वो काम कर सकता है। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पठारी में मेडिकल ऑफिसर चंद्रमान धाकड़ एवं रघुवंत जी, जिला प्रभारी ब्लड बैंक के सहयोग से पठारी में ब्लड शिविर, ब्लड डोनेट शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और पहली बार आयोजित हुए इस शिविर में जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे ज़्यादा सफलता मिली है। उसने ज़्यादा युवा वर्ग ब्लड डोनेट करने के लिए आया है, और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह युवाओं की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। और डॉक्टर साहब से चर्चा हुई, उसके अनुसार पठारी में युवाओं की संख्या को देखते हुए यहाँ समिति गठन करने का फैसला लिया गया है, जो आगामी समय में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। विदिशा जिले के गंज बासो